हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि बैंक ऑफ इंडिया में अपना जीरो बैलेंस वाला अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। यहां पे अगर अपना जीरो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको तुरंत का तुरंत यहां पे डेबिट कार्ड मिल जाता है, चेकबुक भी मिल जाती है और पासबुक भी मिल जाता है दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों कि अपना बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस वाला अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन दोस्तों वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल को डेस्कटॉप साइड पे कर लेना, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो सिंपल से अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। अगर आप अपने मोबाइल से कर रहे हो तो अपने में क्रोम ब्राउजर ओपन करते वक्त डेस्कटॉप साइड पे कर लेना। जब आप डेस्कटॉप साइड पे कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सर्च करना होगा बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि मैं डिस्क्रिप्शन में कितनी जल्दी कोई भी लिंक प्रोवाइड नहीं करता हूँ, क्योंकि आप किसी की भी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे अगर लिंक को ओपन करके आप उस फॉर्म को फिल करते हैं तो हो सकता आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इसलिए कोई भी चीज़ आप सीखें तो स्टेप बाय स्टेप सीखें। तो सिंपल से बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे सर्च करेंगे। आप बैंक ऑफ इंडिया की देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आ गई। सिंपल से इस पे आपको क्लिक कर लेना हो। जैसे आप बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट में क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देने लगेगा दोस्तों, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अब आपको यहाँ पे एक मिलेगा पर्सनल का ऑप्शन। पर्सनल के ऑप्शन पे डिपॉजिट सेविंग, जैसे आप सेविंग वाले ऑप्शन पे जाते हैं यहाँ देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्टार युवा अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया स्टार महिला सेविंग अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया स्टार सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट, SBI अकाउंट फॉर जो पेंशन वाले होते हैं उनके लिए अकाउंट है, डायमंड सेविंग अकाउंट है यहाँ पे, स्टार सुरक्षा सेविंग अकाउंट है, सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया सेविंग प्लस स्कीम है, बैंक ऑफ इंडिया सुपर सेविंग प्लस, यहाँ पे इतने सारे बैंक आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से सेविंग अकाउंट, यहाँ से सैलरी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जय जवान सैलरी प्लस अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया सैलरी प्लस अकाउंट स्कीम, यहाँ देख सकते हैं करेंट अकाउंट में नॉर्मल करेंट अकाउंट, सिल्वर करेंट अकाउंट, गोल्ड करेंट अकाउंट, गोल्ड प्लस करेंट अकाउंट, डायमंड करेंट अकाउंट, डायमंड प्लस करेंट अकाउंट, यहाँ पे बहुत मिनी टाइप के करेंट अकाउंट भी मिल जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं टैक्स सेविंग MACD अकाउंट यहाँ पे, ठीक। तो हमें सेविंग अकाउंट ओपन कराना, सेविंग अकाउंट में हमें यहाँ दोस्तों बैंक जो आपका सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट मतलब जो सामान्य अकाउंट होता है इसमें अगर आप ओपन करवाते हैं तो आपको बहुत मिनिमम कम से कम बैलेंस मेंटेन करके रखना होता है, 100-500 रुपया रखना होता है, इससे ज़्यादा अकाउंट इसमें मेंटेन करके नहीं रखना होता। सिंपल से इस पर हमें क्लिक कर देना। जैसे आप स्टार बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे नीचे जाएंगे देखेंगे स्कीम अवेलेबल एट ऑल ब्रांच, ठीक। अब इसमें एलिजिबल पढ़ेंगे कौन लोग एलिजिबल हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। देख सकते हैं इंडिविजुअल अकाउंट है, सिंगल अकाउंट, टू और मोर इंडिविजुअल ज्वाइंट अकाउंट भी कर सकते हैं, पर्सनल ब्लाइंड पर्सनल माइनर अकाउंट भी है यहाँ पे, क्लब सोसाइटी ट्रस्ट, ये लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं अकाउंट ओपन करवाने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं डिपॉजिट की बात करें तो इंडियन डिपॉजिट एवरेज क्वार्टरली बैलेंस यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, अगर 500 रुपया फॉर चेकबुक ऑपरेटेड, जो आप चेकबुक तो ऑपरेट करेंगे नहीं, अगर चेकबुक ऑपरेट करते हैं तो 500 रुपया और 100 रुपया तब आपको मेंटेन करके रखना होगा अकाउंट में, 100 रुपया मतलब ना के बराबर दोस्तों, इसलिए मैंने इसमें लिखा था कि जीरो बैलेंस वाला अकाउंट है दोस्तों। तो यहाँ पे 100 रुपया फॉर नॉन चेकबुक अकाउंट होगा, ठीक दोस्तों। तो यहाँ देख सकते हैं 100 रुपया आपको मेंटेन करके रखना होगा। चार्जेस फॉर नॉन मेंटेनिंग, यहाँ देखते हैं मेंटेनेंस और मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, अगर आप 500 रुपया है मिनिमम बैलेंस चार्जेस 100 रुपया पर क्वार्टर है, ठीक। अगर यहाँ चार्जर विल बी लिव्ड एंड अंडर, यहाँ देख सकते हैं 250-400 रुपया 50% का, 100-280% ब्लू, अगर 100% यहाँ पे पड़ेगा आपको। मेट्रो अर्बन से हैं तो मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, अगर आप मेट्रो अर्बन सिटी से हैं तो 1000 रुपया मिनिमम बैलेंस चार्जेस, 200 रुपया पर क्वार्टर, चार्जेस विल बी लिव्ड एज अंडर, यहाँ पे देख सकते हैं चार्जेस आप पढ़ सकते हैं, ठीक दोस्तों। उसके बाद देखेंगे इंसेंटिव, यहाँ पे इंसेंटिव देख सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग की फैकल्टीज मिल जाती है, अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शन है, ओनली बैंक ऑफ इंडिया ATM, जितने भी बैंक ऑफ इंडिया ATM हैं, जितने भी बैंक ऑफ इंडिया के ATM हैं उसमें अनलिमिटेड ATM ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं। अगर कोई अदर बैंक से करते हैं तो आपको वहां पे पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों।
ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फिलिंग की फैकल्टीज मिल जाती है। पर्सनलाइज चेकबुक एंड रिक्वेस्ट, अगर आप चाहें तो एक पर्सनलाइज चेकबुक भी यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। ये इंसेंटिव्स हैं। फ्री अनलिमिटेड बिल्स पेमेंट फैकल्टी थ्रू ई पे की मदद से आप फ्री जितने भी बिल पेमेंट हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों। ये फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिल जाती है दोस्तों, जो बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज हैं। उसके बाद देखेंगे नॉमिनी फैकल्टीज यहाँ पे मिल जाती है। नॉमिनी भी आप यहाँ पे आप नॉमिनी की फीस फैकल्टीज मिल जाती है, जिससे अवेलेबल एज पर द, यहाँ देख सकते हैं नॉमिनी आपको मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, तो अब आपको क्या करना है सिंपल से अकाउंट ओपन करने के लिए, अगर आप सेविंग बैंक ऑर्डिनरी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से बैक आ जाना है। जहाँ पे आप होम पेज पे थे होम पेज पे ही आपको आ जाना है। जैसे होम पेज पे आएंगे तो आपको क्या करना है, सबसे नीचे यहाँ पे नीचे कर्सर चलते रहेंगे और चलते रहेंगे तो एक ऑप्शन आप यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। समझिए हमारी बात को ध्यान से, यहीं पे मेन मुद्दा है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमें अकाउंट ओपन करवाना दोस्तों। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म यहाँ देख सकते हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं देखेंगे अकाउंट ओपनिंग न्यू फॉर्म, यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग न्यू फॉर्म, इसका भी अकाउंट ओपनिंग न्यू फॉर्म है, डीमेट अकाउंट ओपनिंग न्यू फॉर्म। एक डीमेट अकाउंट होता है जहाँ शेयर मार्केटिंग होता है, जहाँ शेयर खरीदा जाता है और बेचा जाता है दोस्तों, वो अकाउंट वो है डीमेट अकाउंट है। तो हमें यहाँ डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आप डीमेट अकाउंट देख सकते हैं, पर हमें यहाँ पे सेविंग अकाउंट ओपन करवाना, तो सिंपल से अकाउंट ओपनिंग न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे अकाउंट ओपनिंग न्यू फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक पीडीएफ फाइल खुल करके आ जाएगी, यहाँ देख सकते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे अपना फॉर्म आपका डाउनलोड हो गया, देख सकते हैं संशोधित फॉर्म है, कृपया फॉर्म काली स्याही से भरें। संशोधित फॉर्म, कृपया फॉर्म काली स्याही से भरें। आपको जो फॉर्म है काली स्याही से भरना है। अब यहाँ देखें, थोड़ा आपको जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ का शाखा का नेम डालना है, खाता खोलने का फॉर्म क्रम संख्या दिनांक डालना, ग्राहक आई डी खाता संख्या, ये सब बैंक वाले भरेंगे, आपको ये भरने की जरूरत नहीं है। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे आपको नाम भर देना है, और यहाँ पे पूर्व विवाह महिला आवेदक के लिए है, जन्मतिथि आपको भर देनी है, और यहाँ पे पूरा हिंदी में लिखा हुआ, आप हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्म मिल जाते हैं, जिसमें आप भरना चाहें वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। अगर हिंदी में भरना चाहते तो हिंदी में भर दीजिए, अगर इंग्लिश में भरना चाहते तो आप इंग्लिश में भर दीजिए। अब आपको क्या करना दोस्तों, ये फॉर्म को फिल कर लेना। फॉर्म फिल हो जाने के बाद ये पूरा फॉर्म अच्छी तरीके से आप फिल कर लेंगे, प्रिंट आउट निकाल लेंगे, उसके बाद फिल कर लेना होगा। देन आपको 2 से 3 फोटो जो होते हैं पोस्ट साइज पासपोर्ट साइज के फोटो होते हैं दोस्तों, फोटो लेके जाना है, अपना आधार कार्ड ओरिजिनल और आधार कार्ड की फोटो कॉपी, और फोटो कॉपी के ऊपर अपना सिग्नेचर, पैन कार्ड ओरिजिनल, पैन कार्ड की फोटो कॉपी, और पैन कार्ड के फोटो कॉपी के ऊपर अपना सिग्नेचर, ये चीज़ें तीनों चीज़ें लेकर के जानी है। आपका अकाउंट वहाँ पे तुरंत का तुरंत ओपन कर दिया जाएगा, हो सकेगा आपको तुरंत का तुरंत वहाँ पे डेबिट कार्ड पासबुक सब कुछ मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आपके होम पे 7 से 8 दिन में आपके घर पे वेलकम किट डिलीवर कर दी जाती है, जिसमें डेबिट कार्ड और प्लस चेकबुक दोनों होती है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हाँ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जाकर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी साथ, तब तक के दोस्तों जय हिंद जय भारत, बाय बाय।